डायग्राम आते रहे जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बार हमेशा की तरह दुरूद इब्राहिम। जी तो आज हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर वो 3 है, 10.3। दो न्यूमेरिकल की वीडियो आपने पहले उम्मीद देख ली होगी, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल है। एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ये 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ये तीसरा न्यूमेरिकल है। दोबारा से मैं उन व्यूअर्स के लिए जो नए हैं जिनको पहले भी उन्होंने वीडियो नहीं देखे, तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा। तो ये देखें, सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, इतना पढ़ के रुक जाना है, बड़े आराम आराम से ठीक हो गया। ये देखें हमारे काम की चीज जो इसके ऊपर मैं दायरा लगाने लगा, सादा पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर है। ये देखें जो डाटा के लिहाज से जो हमारे लिए अहम चीजें उनके ऊपर मैं ऐसे सर्कल निशान लगा रहा हूँ, तो उधर से हमने कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले पहला स्टेप डाटा, इधर ये देखें मैं डाटा लिख रहा हूँ, इधर डेटा ठीक हो गया। एक सादा पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर, लंबाई जो है मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियोस में भी कि लंबाई जो है इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तबई मकदार है और इसका सिंबल स्मॉल एल होता है। तो इधर देखेंगे सबसे पहले पेंडुलम की लंबाई, पूरा लिख रहे हैं आपकी मर्जी है, पेंडुलम की लंबाई, लंबाई एल और इसकी कीमत है 1 मीटर। 1 मीटर साथ इसका यूनिट लंबाई, कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर लिख दिया मैंने साथ, एम से छोटे एम से लाग करते हैं। इसे जमीन और चांद पर रखा गया, 1 मीटर लंबाई का पेंडुलम है, जमीन के ऊपर भी रखा गया इसी को और इसी को चांद के ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है कि जमीन के ऊपर और चांद के ऊपर जी की कीमत सेम नहीं है, जमीन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरी जो है उसके ऊपर जाके मून के ऊपर चांद के ऊपर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाती है। तो इसकी वजह से इसके टाइम पीरियड में चेंज आएगी, जमीन के ऊपर टाइम पीरियड और होगा, चांद के ऊपर इसका टाइम पीरियड और होगा, इसलिए उस हिसाब से हमने दोनों जगहों के ऊपर इसका टाइम पीरियड निकालना है। जमीन और चांद पर रखा गया, इसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे। देखें इसके बाद हमने जो चीज मालूम करनी है वो होती है टाइम पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड इसको बड़े टी से जाहिर करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया बड़ा टी, टी फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है कि एक चक्कर पूरा करने में, पेंडुलम ने जब एक बार इधर से छोड़ेंगे उसको घूम के जब वापस आएगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना वक्त लगेगा उसको, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसको बड़े टी से दान करना है और इसकी जो है वो हमने मालूम करना है, टी मालूम करना है ठीक हो गया। चांद पर जी की कीमत, चांद पर जी की कीमत कितनी है, चांद पर जी की कीमत उसने बताया हुआ कि जितनी जमीन के ऊपर है उसका छठा हिस्सा है। तो जमीन के ऊपर दी हुई, अगर ना भी दी हुई हो प्रैक्टिकल उसमें सॉरी न्यूमेरिकल में, तो ये वैल्यू आपको जबानी याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम जी और जमीन पर जी की कीमत पहले ये लिखेंगे, जमीन पर जी छोटा जी स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी इसको छोटे जी से दान करते हैं और ये होता है जी ऑन अर्थ, ई फॉर अर्थ, इसकी कीमत है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक हो गया। और ये तो जमीन के ऊपर मैंने पहले लिख ली, इसके बाद कहता है चांद के ऊपर, चांद पर इसकी कीमत जितनी जमीन पे है, ये देखो जितनी जमीन के ऊपर है उसका छठा हिस्सा, 6 में डिवाइड कर देंगे उसको। तो चांद पर जी की कीमत, चांद पर जी ये बन जाएगी, उसने लिखा हुआ है 1/6 जी ऑन अर्थ। तो हम क्या करेंगे, जी ऑन अर्थ 10 है, 10 को 6 पे डिवाइड कर देंगे और 10 को 6 पे डिवाइड करें कितना आंसर आएगा, एक मिनट कन्फर्म कर लेते हैं कोई गलत ना हो जाए। 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 10 सेम 6 आ जाएगी, वही आपकी 1.67 आ रही है। 1 पॉइंट इसका मतलब है चांद पर जी, जी ऑन मून ये हमारे पास आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप गौर करें, आपने भी ऐसे करने के लिए देखें, साथ साथ में उसका SI यूनिट लिख रहा हूँ, ये जरूरी होते हैं। मीटर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता है, लिखा है इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें अब आपने मालूम करनी है, आपने टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड मैंने इधर एक लिखा हुआ है, हालांकि 2 निकलेंगे टाइम पीरियड, जमीन के ऊपर भी टाइम पीरियड मालूम करना है और चांद के ऊपर भी टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मर्जी जमीन के लिए इसके 2 हिस्से करने हैं आपने, अगर पहला पार्ट इसका ऐसे ये देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले डाटा उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक हो गया। सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं आगे, पहला पार्ट है पार्ट 1 ठीक हो गया, जमीन के लिए, जमीन के लिए यानी कि हम जमीन के लिए टाइम पीरियड निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो कुलिया वही, कौन सा कुलिया, जो पिछली वीडियो में हमने यूज किया था T=2πL/g सारे का, ये फार्मूला टाइम पीरियड निकालने का। तो
तो अब मैं जमीन पर चार्ज निकाल रहा हूँ, इसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πL/g सारे का जगह। अब टी मालूम करना है और जमीन के लिए निकालना है ई, मैंने साथ लिख दिया है स्मॉल छोटा सा ई लिख दिया है, टी टाइम पीरियड ऑन अर्थ जमीन पर टाइम पीरियड, और एल और जी साथ में जी के साथ भी है, मैं इसको रेड के साथ ना हाईलाइट कर देता हूँ, टी और जी के साथ भी लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, अब टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2π, आपको पता है 3.14 होती है, उसके बाद है जजर एल, एल की कीमत ये देखें 1 मीटर है, 1/g जी ऑन अर्थ जमीन पर जी की कीमत कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 को 3.14 से जरब देंगे, ये बन जाएगा 6.28 जरब। ये देखें इसका आसान सा हाल ये है कि पहले 1 को आपने 10 पे डिवाइड कर लेना है, 1 को 10 पे तकसीम करेंगे ये आ जाएगा 0.01, यानी कि 1 तकसीम 10 कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हैं, इसका जगह निकालने आप, तो d टाइम पीरियड ऑन अर्थ इसके साथ e लिखना, e टाइम पीरियड ऑन अर्थ बराबर आ जाएगा 6.28 जरब। अब आपने कुछ नहीं करना, आराम से, वैसे तो और भी तरीके होते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, आराम से कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट निकालने हैं आप 0.1 का, तो ये आ जाएगा 0.3162। अब आपने क्या करना है, इसको 6.28 के साथ जरब कर देनी है, जरब 6.28, तो ये आपका आंसर निकला आएगा 1.98, यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ जाएगा 1.98। और ये देखिए इसके साथ यूनिट लिखना आपने भूलना नहीं है, टाइम पीरियड का पिछले में हमने पिछले 10.2 में यूज किया था, क्या था सेकंड, ठीक हो गया, 1 आपका आंसर ये आ गया, ठीक हो गया। आप इधर मैं लाइन लगा देता हूँ, दूसरा पार्ट रहता है अभी इसका, ठीक हो गया। दूसरे पार्ट में हमने क्या करना था, दूसरे पार्ट में हमने टाइम पीरियड निकालना है चांद के लिए, जमीन के लिए था, अब दूसरा पार्ट इसका पार्ट टू चांद के लिए, चांद के लिए। अब देखें हम इधर से एक बात सीखने वाली भी है, हमने ये तो हमें पता है कि जी की कीमत ये देखें जमीन के ऊपर ये है, चांद के ऊपर ये है, अब देखते हैं कि जी की कीमत के साथ टाइम पीरियड की वैल्यू में क्या कमी बेशी होती है, ठीक हो गया। तो अब वही फार्मूला, यही फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला वही रहना है चांद के ऊपर भी जमीन के ऊपर भी, तो फार्मूला लिखते हैं आप चांद के लिए, टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू 2πL/g ऑन मून, एम इसके साथ मैंने लिख दिया, जैसे वहां पे ई लिखा है ई फॉर अर्थ, ऐसे ही एम फॉर मून, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑन मून आ जाएगा 2π की मतलब आपको पता 3.14, और जजर एल लेंथ उसकी जो है वो 1 मीटर ही है, दोनों में सेम रहेगी, 1/ जी ऑन मून वो कितनी है 1.67, इसको 1.67 पे डिवाइड कर दे आप, तो ये आ जाएगा टी टाइम पीरियड ऑन मून, इसको जरब करोगे ये आ जाएगा 6.28 जरब, बिल्कुल जैसे उसको सॉल्व किया है, इधर 1 को 10 पे तकसीम किया था, इधर 1 को 1.67 पे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, 1 को डिवाइड करेंगे 1.67 पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5988 इसका हमने अब क्या निकालना है, एक काम रहता है सिर्फ जगह निकालना है इसका, तो बस आपका न्यूमेरिकल वेरी इजी हो जाएगा, इजीली आप इसको हल कर सकते हैं, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.7738। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6.28 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 4.86 आ जाएगा आपका 4.86, ठीक हो गया। और टाइम पीरियड का यूनिट इधर सेकंड यूज किया है, इधर भी सेकंड यूज करना है। अब एक और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप इसको, ये देखें दूसरा डिजिट जो है 6 है, ये 5 से बड़ा है,
अब इसको खत्म कराना है राउंड ऑफ करने के लिए, 8 में 1 जमा कर देंगे 6 खत्म हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑन मून आपका आ जाएगा 4.9 और 7 में यूनिट सेकंड लिखना नहीं भूलना आपने, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस के स्टूडेंट्स यूनिट्स मिस नहीं करते। तो अब एक स्टेप रह गया है, वो कौन सा था, रिजल्ट का, वो आपने भूलना नहीं। एंड पे तीसरा जो है, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है जगह मेरे पास कम पड़ रही है, या चले इधर लिख देता हूँ मैं। इसके बाद आपने क्या लिखना है, बस थर्ड जो है, ये पहला डाटा, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद तीसरा रिजल्ट। बल्कि इसको मैंने रेड के साथ लिखा है, तो मैं आपको रेड के साथ ही, ऐसे आप पैटर्न पेपर में यूज कर सकते हो, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, ब्लू के साथ आप लिख लें या ब्लैक के साथ उसकी हेडिंग दे दें, तो उससे पैटर्न प्रेजेंटेशन भी अच्छा अच्छी लगती है, उसमें न्यूमेरिकल जो है या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो रिजल्ट जो है वो हमारा आ जाएगा, यही दो वैल्यूज आपने रिजल्ट में लिख देनी है, रिजल्ट पास जमीन पर टाइम पीरियड एक अशारिया 9.8 सेकंड एस, जबकि चांद पर टाइम पीरियड 4.9 सेकंड होगा। अब ये देखें, ये दो वैल्यूज में कितना फर्क आ रहा है, ये आ रही है 1.98 सेकंड और ये आ रही है 4.9 सेकंड आपने निकाल दी हुई है। तो इसकी वजह सिंपल यही है कि इसमें चांद के ऊपर जो जी की कीमत है वो जमीन की निस्बत कम है, अगर आप चांद के ऊपर चले जाओ तो आपका वजन भी जमीन की निस्बत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये छठा हिस्सा, ठीक हो गया ऐसे, यानी कि इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू पर आपका होता है एम जी के, तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा, जी की कीमत चेंज हो जाएगी। जमीन के ऊपर आपका वजन निकालने के लिए मास को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और जब 1.67 से चांद के ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी वजह से जब आपने देखा होगा वीडियोस में कि खिलाफ बात चांद के ऊपर जाते हैं तो कैसी कैसी वीडियोस भेज रहे होते हैं, कभी वो पानी उड़ रहा होता है, कभी वो कंघी कर रहे होते हैं, तो उनके बाल उड़ रहे होते हैं, खाना कैसे खाते हैं, तो इसकी वजह ये है कि उनका वजन में कमी होती, मास में कमी नहीं होती, उनका वजन कम हो जाता है। वजन में कमी की वजह ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मून के ऊपर उसकी वैल्यू कम है। तो ये आपके जी 10.3 तक तीन न्यूमेरिकल हो गए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद किसी किस्म का कोई मसला मसायल हो आपने कमेंट्स में हमें बता देना है, और कोई टॉपिक वगैरह समझना हो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 10.4, 5, 6 न्यूमेरिकल ऐसे वीडियो बाई वीडियो एक एक वीडियो में आ रहे हैं। और हमारे चैनल को काइंडली, हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स मैथ हाउस, तो काइंडली इसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ जो कि पढ़ते हैं कहीं या नहीं पढ़ते उनको ये कम अज़ कम एक बार हमारी वीडियो दाद में दिखा दें, और इसके बाद हमारी गारंटी होगी कि जो बंदा कहेगा मैं न्यूमेरिकल नहीं आती उसको हमारी वीडियो एक बार दिखा के, तो इसके बाद इंशाल्लाह वो हमारी वीडियो लगातार देखेगा और उसके लिए फिजिक्स में अच्छे नंबर लेगा। बहुत शुक्रिया।